मैं फुटपाथ के दुकानदारों के समर्थन में सड़क पर उतरा हुआ हूँ। इन लोगों पर जुल्म हो रहा है, इन लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इन लोगों पर शोषण हो रहा है और इन लोगों का सामान, लाखों लाख का सामान लूटा जा रहा है। इसके खिलाफ आज पराकाष्ठा हो गई जुल्म की, इसलिए हम लोगों ने मांग किया कि भाई नहीं, तानाशाही नीति सरकार में नहीं है। मैं फुटपाथ के दुकानदारों के समर्थन में सड़क पर उतरा हुआ हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ, दो महीने से फुटपाथ के दुकानदारों को अतिक्रमणकारी साबित करके इन पर चलाया जा रहा है और ये जो सड़क पर खड़ा होकर के ठेला लेकर के कहीं बैठ के जो सामान बेच के, दैनंदिन दिन का जो सामान है सस्ता में बेच के, जो देश को निर्माण में योगदान भी देने के साथ साथ अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा है, परवरिश में लगा हुआ है, इन लोगों पर जुल्म हो रहा है, इन लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इन लोगों पर शोषण हो रहा है और इन लोगों का सामान, लाखों लाख का सामान लूटा जा रहा है। इसके खिलाफ आज पराकाष्ठा हो गई जुल्म की, इसलिए हम लोगों ने मांग किया कि भाई फुटपाथ के दुकानदार अतिक्रमणकारी नहीं है, ये तो दुकानदारी करते हैं, फिर अपने घर में चले जाते हैं, सोते हैं, फिर सुबह आके दुकानदारी करते हैं, आपको दिक्कत कहाँ है? और महबूब जी, लेकिन आप सरकार को समर्थन दिए हुए और सरकार के खिलाफ ही लगातार, ये सरकार के खिलाफ मैं नहीं कर रहा हूँ, सरकार बदल गई लेकिन बहुत से मगरूर प्रशासन का दिमाग नहीं बदला है, ये सुन लीजिए आप लोग, उन लोगों के दिमाग में होना चाहिए भाजपा की सरकार नहीं है, ये गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, अत्यंत पिछड़ा अल्पसंख्यक और शांति कामी जनता की सरकार है, संविधान को चाहने वाली सरकार है, संविधान की हिफाजत करने वाली सरकार, है तो रोजगार हासिल करना हमारा संवैधानिक अधिकार है कि नहीं? आपको लगता है कि नीतीश और तेजस्वी के सरकार में भी तानाशाही चरम पर है अफसरों की? नहीं, तानाशाही नीतीश सरकार में नहीं है, प्रशासन के पदाधिकारी का तानाशाही रवैया तो मानने, आप तो देख रहे हैं के पाठक का रवैया आपने देखा, जो अभी जांच पड़ताल किया है, तो इनका रवैया ऐसे ही ठीक होगा, इसलिए जनता के साथ मैं सड़क पर उतर के सरकार का दायित्व तो मैं निभा रहा हूँ। नहीं, लेकिन इससे पूर्व में भी आपने नीतीश के काफिले के पास ही आप धरने पे बैठ गए थे और फिर आज सड़क पर उतर गए, क्या नीतीश कुमार से आपकी नाराजगी है? कोई नीतीश कुमार जी से मेरी नाराजगी नहीं है, नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उन लोग को समर्थन देते हैं, हम उनको जो है सम्मान करते हैं, लेकिन उनके पदाधिकारी उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहते, उनका इशारा को नहीं समझ रहा है, इसलिए इन लोग का इशारा समझना होगा। अफसर क्या बेलगाम हो गए हैं? अक्सर बेलगाम होने गए, ये लोग जो बेलगाम थे, इन लोगों पर जो लगाम लगाने की बात हो रही है, ये लोग समझ नहीं रहे, ऐसे ही जन आंदोलन के माध्यम से इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा और हमारी सरकार हमारे समर्थन में रहेगी, फुटपाथ के दुकानदारों के समर्थन में रहेगी, लूट अफसरों के खिलाफ में सड़क, बिल्कुल हमारा कुछ नहीं मांग है, एक सूत्री मांग है कि मंदिर से लेकर के आप आर ब्लॉक तक एक लाइन में फुटपाथ दुकानदारों को बसाइए, उनको नंबरिंग दीजिए, आप वेंडर लाइसेंस दिए हुए हैं, जिन जिन को वेंडर लाइसेंस है उनको एक लाइन में बसा दीजिए, इनके पास जगह क्या है, 5x3 का जगह है, एक ठेला 5x3 का होता है, एक डाला जो है से मतलब 5x4 का होता है, एक हैंगर जो है वो 2 फीट गोल होता है, अब बोलिए उतने जगह में हम अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, उसके बाद भी रोज का रोज नगर निगम आकर के जिला प्रशासन के नाम पर, नगर निगम के नाम पर बुलडोजर लेके आता है, 25 कर्मचारी को लेके आता है, 20 पुलिस को लेके आता है और हम गरीब आदमी जो है से मतलब भागते हैं, अपना अपना सामान लेके भागते हैं, हमारा सामान गिर जाता है, अगर नगर निगम के इसमें पड़ गए तो सारा सामान उड़ जाता है हमारा, हमारा ठेला को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, ये कहाँ का नियम है कि अपने ही देश के लोगों के साथ इतना बेरहमी से पेश आना, ये तो अच्छी बात नहीं है। हमारी लड़ाई यही है कि आप, हम रोजगार कर रहे हैं, अपने बच्चों का परवरिश कर रहे हैं,
अपने बच्चों को जो ऐसे मतलब पाल पोस रहे हैं कमा करके, हक और हलाल की रोजी रोटी कमा करके, आप क्यों तंग कर रहे हैं भाई? लगता है कि अफसरों के द्वारा मनमानी हो रही नहीं अफसरों का, देखिए जबकि मैं टीवीसी का मेंबर हूं, यानी जो सरकार ने बनाया है कमेटी, जो टाउन वेंडर कमेटी, सरकार हमारी है जरूर, सरकार तक हम बात पहुंचाएंगे, लेकिन नगर निगम और सरकार में थोड़ा फर्क आप समझना चाहिए। ये नगर निगम ये लूट करने के लिए अपने दलालों के जरिए, पुलिस प्रशासन के जरिए दबदबा बनाने चाहता है, दहशत फैलाने चाहता है, ताकि हम पर दहशत फैलता रहे और हमारे सामानों का लूट रहे, हम उसको गलत पैसा दे, यही उसकी मंशा है, जो आने वाला दिन में होगा नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से बात करेंगे और बिहार विधानसभा में भी जोरदार ढंग से हम सवाल उठाएंगे, और तत्काल प्रशासन के पदाधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया कि आप लोग धरना प्रदर्शन तोड़ दीजिए और आज से जुल्म नहीं होगा, तो हम लोगों ने भी उनके रिक्वेस्ट को माना है। फिलहाल अपना हम बंद करते हैं आंदोलन, आप लोग का भी धन्यवाद अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी मांग ये है कि फुटपाथ पर खड़ा होकर के बैठकर चलते हुए ठेला लेकर दुकानदार लोग अपना रोजी रोजगार हासिल कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और नगर निगम फुटपाथ के दुकानदारों को अतिक्रमणकारी साबित करके उन पर बुलडोजर चला ने की उनकी जो मंशा है, उनकी योजना है, ये कई लंबे समय से चला रहा है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं हैं, हम लोग खड़ा होकर दैनंदिन सामान बेचते हैं, रोजगार करते हैं, और न्यू मार्केट पूरे बिहार का एक हॉट प्लेस है। मध्यम वर्गीय लोग ये सड़क पर सस्ता कपड़ा खरीदते हैं, बाल बच्चों के लिए कपड़ा खरीदते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, लेकिन इन लोगों ने नया तरीका निकाला, ये लोग बुलडोजर लेके आते हैं और लाखों लाख का सामान लूट कर लेके चले जाते हैं। किसने ये अधिकार दिया इन लोगों को? हम पर कार्रवाई हो, हमारा सामान को क्यों लूटा जा रहा है? 1 लाख का सेब लूट लिया गया, 50,000 का कपड़ा लूट लिया गया, जो ड्रेस लूट लेता है, ऐसी हालत में लगातार वो आ रहा है, रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और हम पर सड़क गंदा करने का इल्ज़ाम लगता है, उसका सफाई वो खुद नहीं करता, दिन 12 बजे आता है गाड़ी, कब सफाई करेगा? जो भोर में आना चाहिए, रात में करना चाहिए, ये नहीं करता है। तो ये जो जुल्म है, ये सितम है, इसके खिलाफ हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया, और हम मांग करते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन एंड लाइवलीहुड अंडर रेगुलेशन एक्ट जो 2014 है, जिसके तहत रोजगार करने का फुटपाथ हमारा अधिकार है, ये कानून है, और हमको स्वनिधि रोजगार के तहत प्रधानमंत्री ने भी कर्ज दिया है और माननीय मुख्यमंत्री ने भी हमको वैधानिकता प्रदान की है, तब ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है? इसलिए हमारा इसका विरोध कर रहे हैं। तो सरकार